आपका स्वागत है आकांक्षा ऑल राउंडर चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम बनाएंगे मसूर की दाल के कोफ्ते। आपने लौकी के कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे, मगर आज हम बनाएंगे मसूर की दाल के कोफ्ते। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कप हमने मसूर की दाल ली है, इसे ओवरनाइट पानी में सोख करके रख दिया था। मसूर की दाल को अच्छे से धो के साफ करके अब हम मिक्सी जार में इसे पीस लेते हैं। इस तरीके से हमें मसूर की दाल का पेस्ट बनाना है। पेस्ट बन जाए फिर इसके बाद हमें एक कढ़ाई लेना है। कढ़ाई में हमने जो हमने मसूर की दाल का पेस्ट बनाया है अब हम इसमें डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। एक गिलास पानी डालने के बाद अब हम मसूर की दाल का बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके बाद दो कटी हुई प्याज डालेंगे। हरी मिर्ची डालेंगे इसके बाद। फिर इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे गैस पे रखते हैं और हल्की आंच पे लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। मसूर दाल का बैटर पकने लगा है। लीजिए हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। ये अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हम कोफ्ते के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हमने दो बड़े चम्मच ऑयल डाला है, प्याज लहसुन का पेस्ट डाला है, छोटी चम्मच हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने मसूर की दाल का जो बैटर तैयार किया था उसमें भी नमक डाला है, इसलिए अच्छे से अब हम मसाले को पकने देते हैं। दाल का बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम लड्डू के आकार देते हुए कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। अब हम सारे कोफ्तों को मसाले के अंदर डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसूर की दाल के कोफ्ते बनके तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।